तो भाई लोग हम तो यहाँ पे बहुत सारे 10,000-15,000 बजट के अंदर बहुत सारे गेमिंग पीसी तो ऑलरेडी भाई लोग बिल कर चुके हैं। भाई यहाँ पे बजट के अंदर सिर्फ गेमिंग पीसी से यहाँ पे काम नहीं चलने वाला है। आपका इस गेमिंग पीसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो बजट में मेरा मतलब जो 10,000 बजट के अंदर बढ़िया तगड़ी वाली गेमिंग मॉनिटर को लेके आपके सामने आ चुके हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा कन्फ्यूज नहीं करके सिर्फ यहाँ पे 5 गेमिंग मॉनिटर आपके लिए शॉर्टलिस्टेड किया हूँ, जिसको भाई लोग आपका जो बजट के हिसाब से आराम से यहाँ पे चेकआउट मार सकते हो। यहाँ पे जो 5 गेमिंग मॉनिटर आपके लिए शॉर्टलिस्टेड किए हैं, लास्ट वाले जो 2 गेमिंग मॉनिटर यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किए हैं ना भाई, मेरे से यहाँ पे लिख के ले लो। इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ऐसा तगड़ी तबाहीदार वाला गेमिंग मॉनिटर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो भाई लोग इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में तबाही मचने वाला है। लोग यहाँ पे पहला नंबर पे जो गेमिंग मॉनिटर आपका यहाँ पे चलाता है बेनक्यू ब्रांड की तरफ से चलाता है, जिसका मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, GW2490 इसका मॉडल नंबर है। भाई लोग आपको यहाँ पे डिस्प्ले में 24 इंच की फुल HD IPS पैनल देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे 1920x1080 पिक्सल का देखने के लिए मिल जाएगा। एंड भाई लोग यहाँ पे आपको डिजाइन में बेजललेस डिजाइन देखने के लिए मिल जाता है, काफी खतरनाक लुक इसका चलाता है दोस्तों। एंड रिफ्रेश रेट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 100 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है। एंड भाई लोग आपको यहाँ पे 99% की sRGB की सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे और एक चीज बढ़िया यहाँ पे ये ब्रांड वालों आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि है दोस्तों IKR-U की टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल जाता है, जिसके वजह से आप यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक अगर आप यहाँ पे मॉनिटर के अंदर गुजारते हो, लॉन्ग टाइम तक वर्किंग करते हो, तो आपका आई के अंदर कोई हार्मफुल इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है, आराम से यूज कर सकते हो। एंड भाई लोग यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो हमारा गेमिंग मॉनिटर यहाँ पे चलाता है, जो कि है Acer Nitro VG240Y। तो भाई लोग यहाँ पे भी आपको 1920x1080 पिक्सल्स का IPS बैकलाइट LED पैनल देखने के लिए मिल जाएगा आपको डिस्प्ले में। एंड भाई लोग आपको यहाँ पे 1ms की VRV सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। एंड यहाँ पे भी आपको 100 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ 99% की sRGB कलर ग्रेड के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे AMD फेसिंग का टेक्नोलॉजी दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर यहाँ पे पोर्ट की ऊपर बात करते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे 2 HDMI पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, 1 VGA पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। एंड यहाँ पे इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हो गेमिंग के मामले में, आराम से आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दे देगा, क्योंकि 100 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ठीक ठाक उसका जो रेस्पॉन्स टाइम आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे और एक चीज बढ़िया हो जाता है कि आपको यहाँ पे इनबिल्ट स्टीरियो स्पीकर की सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, और आपको यहाँ पे स्पीकर वगैरह नहीं लगाते हो तो यहाँ पे स्पीकर की काम भी ये मॉनिटर आपका कर देगा। लेकिन भाई लोग मैं आपको रिकमेंड यहाँ पे करूंगा कि आप यहाँ पे एक्सटर्नल स्पीकर इस्तेमाल करो, क्योंकि यहाँ पे मॉनिटर वगैरह में जो स्पीकर आते हैं वहाँ पे उसका जो साउंड की क्वालिटी इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। एंड भाई लोग यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो आपके लिए गेमिंग मॉनिटर शॉर्टलिस्टेड किए हैं, जो कि है Lenovo ब्रांड की तरफ से चलाता है दोस्तों। इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं, L सीरीज वाली मॉडल नंबर है ये, एंड काफी खतरनाक मॉनिटर है दोस्तों। यहाँ पे आपको 24 इंच की FHD IPS अल्ट्रा स्लिम वाला मॉनिटर देखने के लिए मिल जाता है। जो भी बात कहो भाई लोग, इस मॉनिटर की जो लुकिंग में कोई मॉनिटर यहाँ पे टक्कर नहीं दे सकता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इसका लुकिंग देख सकते हैं काफी खतरनाक एंड रिच की भाई भी ये मॉनिटर आपको प्रोवाइड करता है। काफी बढ़िया लुक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, काफी अल्ट्रा स्लिम टेक्नोलॉजी में देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे इसका थोड़ा सा स्पेस के ऊपर बात करते तो आपको यहाँ पे वही 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है, AMD फेसिंग का टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल जाता है, HDMI पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, आपको यहाँ पे टिल्ट स्टैंड एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जाएगा। एंड भाई लोग आपको यहाँ पे स्मार्ट डिस्प्ले की कस्टमाइजेशन आर्किटेक्चर के साथ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, इसका टेक्नोलॉजी काफी बढ़िया चीज हो जाता है दोस्तों ये। और आप यहाँ पे गेमिंग की बात करते तो आपको यहाँ पे 4ms की रेस्पॉन्स टाइम देखने के लिए मिल जाएगा। एंड भाई लोग यहाँ पे डिस्प्ले की जो एस्पेक्ट रेशियो साइज आप यहाँ पे देख सकते हैं 16:9, मतलब भाई लोग अगर आप यहाँ पे जो अभी वीडियो देख रहे हो दोस्तों ये YouTube पे, इसका जो एस्पेक्ट रेशियो दोस्तों 16:9, मतलब इतना एस्पेक्ट रेशियो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है इस मॉनिटर के अंदर, जो कि काफी बढ़िया बन जाता है। और यहाँ पे गेमिंग की बात करते हैं तो भाई लोग यहाँ पे गेमिंग की बात हो रहा है, अगर यहाँ पे MSI ब्रांड नहीं आएगा तो कैसे काम चल सकता है। इसीलिए हमारा फोर्थ नंबर पे जो गेमिंग मॉनिटर आपके लिए शॉर्टलिस्टेड किए हैं, जो कि काफी तबाहीदार चीज है भाई लोग, जो कि है MSI की G244FE2 इसका मॉडल नंबर है भाई लोग। एंड ये भाई लोग फुल फ्लेज गेमिंग मॉनिटर है ये, इसको हम आराम से यहाँ पे गेमिंग मॉनिटर की जो अवार्ड दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 1920x1080 पिक्सल का रैपिड IPS पैनल देखने के लिए मिल जाता है। एंड भाई लोग यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट अगर आप यहाँ पे सुनोगे तो आपका जो होश यहाँ पे उड़ जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सारे मॉनिटरों में आपको 100 हर्ट्ज या 110 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है इस बजट के अंदर। लेकिन भाई लोग आपको यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट मिलता है ना, जिसकी वजह से आपका गेमिंग की एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है 1 माइक्रोसेकंड की रेस्पॉन्स टाइम के साथ। आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो भाई लोग आपको यहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस आपको आउटपुट देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे sRGB की बात करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं, और सारी जो मॉनिटर में अगर 99% की sRGB मिल रहा है तो आपको यहाँ पे 118% की sRGB की कलर ग्रेडियंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो आपको यहाँ पे कितना कंट्रास्टी एंड पंची कलर देखने के लिए मिल जाएगा इस डिस्प्ले के अंदर। और यहाँ पे गेमिंग की बात करते हो, गेमिंग की जो एक्सपीरियंस काफी तगड़ी एंड नेक्स्ट लेवल तक जाने वाला है दोस्तों। मैं आपको पर्सनली इस मॉनिटर को रिकमेंड करता हूँ अगर आपका बजट यहाँ पे 10,000 तक जाता है। एंड वैल्यू को आपको यहाँ पे अडेप्टिव सिंक टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल जाता है, फ्लिक ऑफ फ्ली डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, टिल्ट एडजस्टेबल
देखने के लिए मिल जाता है, सारे चीज की पैकेज आपको इस मॉनिटर के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। एंड भाई लोग ये सारे मॉनिटर की वारंटी के ऊपर बात करते हैं तो 2 से 3 साल की वारंटी आपको आराम से यहाँ पे मिल जाता है। 2-3 साल के अंदर कोई भी यहाँ पे डिफेक्ट आपका होता है मैन्युफैक्चरर डिफेक्ट, तो आराम से आप यहाँ पे ब्रांड वालों को यहाँ पे वारंटी क्लेम करके रिप्लेस ले सकते हो। एंड यहाँ पे 5th नंबर पे जो गेमिंग मॉनिटर आपके लिए चलाता है जो की है ViewSonic Omni। भाई लोग यहाँ पे Omni का वर्ड सुन के यहाँ पे वो जो Omni कार वाले को यहाँ पे याद मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे Omni का मतलब इसका मॉडल नंबर है। ViewSonic ब्रांड की तरफ से ये मॉनिटर चलाता है, तो काफी बढ़िया एंड रेपुटेड ब्रांड है दोस्तों ViewSonic मॉनिटर के मामले में। तो यहाँ पे चलिए स्पेस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो स्पेस में आपको यहाँ पे 24 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, वही आपको 1080x1920 पिक्सल की डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे रिफ्रेश रेट की ऊपर बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ ये डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड भाई लोग ये भी फुल गेमिंग मॉनिटर है, यहाँ पे भी आपको 1 माइक्रोसेकंड की रिस्पांस टाइम देखने के लिए मिल जाता है। एंड भाई लोग यहाँ पे भी आपको HDR10 की फ्रीसिंग टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे दोस्तों 104% की sRGB की सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे दोस्तों पूरी तरह से iCare टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल जाता है, आपका जो ब्लू लाइट को यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज करके इस डिस्प्ले में आपको दिखाया जाता है, जिसके वजह से आपका आई को बहुत ही ज्यादा कंफर्ट महसूस होता है एंड आपका आई साइड की कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। फिलहाल तो दोस्तों ये था आपके लिए 5 बेस्ट गेमिंग मॉनिटर जिसको आप यहाँ पे 10,000 बजट के अंदर आंख बंद करके चेकआउट मार सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगा। गेमिंग के मामले में, एडिटिंग के मामले में, कंटेंट क्रिएशन के मामले में, किसी भी आपके आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड ये 5 की 5 गेमिंग मॉनिटर की जो बेस्ट प्रोसेसिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, डायरेक्ट जाके भाई लोग बाय कर सकते हो। स्पेशली गेमिंग के लिए चेकआउट मारना चाहते हो तो ये लास्ट में जो 2 गेमिंग मॉनिटर आपको यहाँ पे सजेशन दिया उसको आप यहाँ पे चेकआउट मार सकते हो। तो भाई लोग गेमिंग से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड, टेक्निकल गैजेट से रिलेटेड ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते, तो ऐसे वीडियो को पहले देखने के लिए अभी से हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर भाई लोग ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक होकर दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर भाई लोग आपको यहाँ पे PC रिलेटेड और भी गहरा ज्ञान जाना है तो आप यहाँ पे www.trackandpc.com को भी विजिट करके और भी गहरा ज्ञान ले सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग टू टेक्निकल वॉलेट। जय हिंद दोस्तों।